अनिल भाई ये बताइए कि आपने पार्टी का ऐलान कर दिया, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके बनाने के लिए नाम का क्या कर रहे हैं आप, और इसका कोई जलसा कोई मीटिंग करने के लिए गौर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जल्दी आप देखेंगे, हम जो है वो एक इज्तिमा करेंगे, जो लोग हज़ारों की तादाद में हमसे रब्ता कर रहे हैं टेलीफोन के ज़रिए और जो खुद डायरेक्ट के हम बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, तो हम ओनरशिप देना चाहते हैं लोगों को, वो उनकी पार्टी है, तो इंशाल्लाह जब एक इज्तिमा कर उनसे मशवरा कर इस पार्टी का भी नाम रखेंगे और इंशाल्लाह इसका मंशूर का भी उन्हीं के मशवरे से इसका मंशूर बनाएंगे और उसका ऐलान करेंगे। अच्छा, कल डॉक्टर सगीर तो आपके काफिले में शामिल हुए जी, ऐसे और कितने जो हैं वो आपके रबते में हैं? नहीं है, डॉक्टर सगीर की बात नहीं है, हमारे रबते में तो पूरा पाकिस्तान है और इंशाल्लाह आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान भर के लोग यहाँ आएंगे और शमूलियत इख्तियार करेंगे। नहीं, तहलके के लिए नहीं आएंगे बल्कि पाकिस्तान की आवाम को पैगाम देने के लिए आएंगे और उनको बताएंगे इस काफिले में कौन कौन है, इंशाल्लाह आपको जल्द अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी। ढांचा बनाने का मनसूबाबंदी कर ली है, मीरपुर खास, सक्कर, हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह, सिंध में आपका नेटवर्क वैसे भी मजबूत था जब आप रबता कमेटी में थे, अब बताएंगे कि सिंध में रबता किया है कुछ सियासी रहनुमाओं ने आपसे या एमकेएम के कारकुनान ने आपसे? नहीं नहीं, मैंने अभी भी आपको पहले भी अर्ज़ किया कि पूरे पाकिस्तान भर में और जिस तरह आप सिंध की बात कर रहे हैं और शहरी इलाकों की बात कर रहे हैं, बड़ी तादाद में हमसे रब्ता किया है लोगों ने और इंशाल्लाह आप देखेंगे जो हम एक पार्टी का स्ट्रक्चर बनाएंगे, लोग तो रब्ता कर रहे हैं, जो पार्टी का स्ट्रक्चर बनेगा तो अहदेदार भी उसी हिसाब से बनेंगे, तो वो लोग रबते में और जब पार्टी स्ट्रक्चर बन जाएगा तो उसी हिसाब से फिर वो अहदेदार अनाउंस होंगे, उनके दफातर खोले जाएंगे इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में। शहर भर में जी मुस्तफा कमाल और आपके हक में, आप क्या समझते हैं शहर की सूरत हाल कशीदा होने जा रही है या शहर की सूरत हाल जो कशीदा थी माजी में अब बेहतरी की तरफ जा रही है? नहीं नहीं, शहर के कशीदा सूरत हाल हम तो नहीं कर रहे, आप यहाँ आ रहे हैं, हम तो यहाँ दो लोग थे अब तीन लोग हो गए और चौकिंग जो लोग कर रहे हैं वो खुद अपनी बुनियाद पर कर रहे होंगे और मैं तो आपको अगर किसी बात पर कशीदा हो रही है तो मैं तो आपको कह रहा हूँ कि वो उन दोस्तों को कह रहा हूँ चौकिंग भी ना करें, अगर क्योंकि हम दिलों में बसने आए हैं, हम दीवारों पर बसने नहीं हैं। मतलब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर एक आम तासुर ये है कि वो लिसानी जमात है, आपकी जो पार्टी होगी क्या वो कौमी सतह की पार्टी होगी, इस सिलसिले में आप कोई काम कर रहे हैं? फैसल भाई, ये जो देर हो रही है, एक तो हम कोई इरादे से नहीं आए थे, दो लोगों ने एक बात की है, कोई इरादे से नहीं आए थे और अब हम चाहते हैं जब भी पार्टी अनाउंस हो उसमें इसीलिए देर हो रही हो, वो पाकिस्तान का गुलदस्ता हो, उसके अहदेदार कराची से हों, हैदराबाद से हों, सक्कर से हों, मीरपुर खास से ना हों सिर्फ, बल्कि लाड़काना से भी हों और उसके अहदेदार लाहौर से भी हों और पिंडी से भी हों और पेशावर से भी हों और कोयटा से भी हों, वो एक गुलदस्ता हो और पाकिस्तान का गुलदस्ता हो, इसलिए हम थोड़ा सा देर कर रहे हैं, वहाँ से रबते हो रहे हैं, जो लोग हमें आज पेशावर से फ़ोन कर रहे हैं उनको यहाँ आने में वो अपना इजहार कर रहे हैं, जो लाहौर से फ़ोन कर रहे हैं, जो काड़ा से फ़ोन कर रहे हैं, जो मुल्तान से फ़ोन कर रहे हैं, जो कोयटा से फ़ोन कर रहे हैं, उन सबको हम इंशाल्लाह इज्तिमा करेंगे, उन्हीं में से जो बेहतर पढ़े लिखे समझदार लोग होंगे जो समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान एक पाकिस्तान बनाना है, लसानियत से ऊपर उठ कर, फिरका वारियत से उठ कर, सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करना, उनकी एक पार्टी बनाएंगे। बड़ी ज़रूरत होती है बगैर पैसे के, तो आपको कौन सपोर्ट करेगा और कहाँ से आएगा वह पैसा? इंशाल्लाह आप देखिए कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका एक लायामल बना रहे हैं और इंशाल्लाह वो जो भी लायामल होगा आप देखेंगे हमारे अकाउंट वेबसाइटों पे खुले हुए होंगे, एक रुपये भी खर्च होगा को लोगों को पता होगा कि एक रुपये कहाँ से आया और कहाँ खर्च होगा। अच्छा, बहुत सारे बेटे आपके आ रहे हैं यार, हमें भी पूछना था यार, रिपोर्ट मीडिया चैनल ने चलाई है, अखबारात में भी लगी है कि यौमे आशूरा बम धमाके में भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुलव्वित है, आप भी उस दौरे हुकूमत में मौजूद थे, अहम मौके पर फैज थे, आप क्या समझते हैं कि मतलब इंतकाम का नहीं निशाना बनाया जा रहा है या हकाई के किसी एयर की कहने आशूरा बम धमाके कब की बात है? जिसमें वो फहीम सिद्दीकी की, नहीं नहीं मैं समझ गया, कौन से एयर की बात है? 2009 में ब्लास्ट हुआ था, कल उसकी वो जेएमए डिनर रोड पे फैसल मामा ने गोल्डन मार्केट में आग वगैरह लगाई थी, जिसमें मैं आपको पता है यहाँ मसरूफ था और अभी आपके जरिए ही मुझे ये बात पता चल रही है, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इंसान अगर उसमें मुलविस है उसे सज़ा मिलनी चाहिए और जो नहीं मुलविस है सिर्फ जीआईटी की बुनियाद पर उसे कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। आपने कहा कि एमकेएम की बहुत सारी रिपोर्टें गिर चुकी हैं, उनके ऐलान कब करेंगे आप? नहीं, मैंने ये नहीं कहा एमकेएम की भीड़ गिर चुकी है, मैं तो ये कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान भर के लोग रबता कर रहे हैं, उसमें अगर कोई एमकेएम के लोग भी होंगे और कोई भी लोग होंगे वो इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप उनको देखेंगे। अच्छा सर, मुत्तहिदा के लोगों ने तो आपसे रबता किया है जी, लेकिन इसके अलावा कोई दीगर पार्टियाँ जो हैं सियासी पार्टियाँ उनके भी लोग आपकी टीम का हिस्सा बन रहे हैं?
नहीं कुछ लोग होशियार हो गए, कुछ अगर कुछ लोग होशियार हो गए, सबको होशियार नहीं होने दें, इंशाल्लाह सभी पार्टियां सरप्राइज देखेंगी। फैसल मामा की जो जेआईटी है उसमें बाबर गौरी का लिखा गया कि उनके कहने पर रब्ता कमेटी फायरिंग हुई जिसमें लोग मारे गए, आप और कहा गया कि मरकज में उसकी जो है प्लानिंग हुई थी, आपके इल्म में है ऐसी कोई बात? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। और फी का जो उस टीम का मतलब 50,000 उसको इनाम दिए? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी। थैंक यू, थैंक यू।